directly get into the question answer. Please. Thank you so much. Whatever. Can we have the mic, please? Yeah, sure. I'll give you the mic. हाँ जी, तो भी जानते हैं एक हिंदुस्तान में कहावत है अतिथि देवो भव, ठीक है। काफी वक्त से यहाँ हम सब मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, बहुत लेट आपकी तरफ से हो गया, तो बात के लिए एतराज नहीं है। और जब आप किसी कोई आपके घर आता है तो पहली बात तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए यही क्यूरियोसिटी थी मेरे भी मन में जब मैंने ये आइडिया सुना, और आई थिंक सपना जी कमिंग ऑन बोर्ड हैज मेड ऑल द डिफरेंस। थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड। एंड ऑफ कोर्स द अदर एक्टर्स मिस्टर विक्रांत, जुबैर, ये कास्ट इसीलिए असेंबल की गई है क्योंकि ये कैरेक्टर को फिट करती है, दोस्ती के साइड इफेक्ट्स एज अ टाइटल को जस्टिफाई करती है। तो आई थिंक आई हैव गॉट अ परफेक्ट कास्ट, और उससे बेटर कास्ट मुझे मिल ही नहीं सकती थी। स्वप्ना जी की फर्स्ट फिल्म होगी, ओके, तो आई थिंक बिग बॉस के बाद और इतने फेम नेम के बाद फर्स्ट फिल्म, आई मीन दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एज अ डायरेक्टर। उसके बाद ऑफ कोर्स विक्रांत है, जुबैर है, अंजू आ रही है, माय प्रोड्यूसर मिस्टर विजय सिंह एंड ऑल द एंटायर टीम इज रियली ग्रेटफुल टू हैव सच अ कास्ट। थैंक यू। ओके सर, ने सॉरी बोला, मैं भी सॉरी कहूंगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने वेट किया, बहुत वेट किया है, तो सॉरी सबसे पहले तो। और जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, जो आपने, मुझे लगा कि शायद मैं अभी फिट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। जब मुझे फिट लगा कि हाँ अब मैं फिट हूँ, तो मैंने किया। फिट होने में कितना वक्त लगा हमने ना, हम बस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग टू बी फिट टू बी अ पार्ट। फिट होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं थी। अभी धीरे-धीरे किया है, शोज का बर्डन इतना था, तो फिजिकली फिट होने में टाइम लगा, तो अब हूं, अब प्रॉपर। थैंक यू। जुबैर, आपसे सवाल, आई होप योर माइक इज वर्किंग। फिल्म के फिल्म का नाम ही है दोस्ती के साइड इफेक्ट, और 377 खत्म होने के बाद तो बहुत सारे इफेक्ट होने लगे ये मुझे नहीं है। सो सपना के साथ काम करने का जब आपको पता लगा कि सपना इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, सपना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आपके सामने, तो सर ये कितना एडवांटेज होता है एक एक्टर के लिए कि हाँ एक पुश अप मिल जाएगा। और यू आल्सो वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर भी है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजिंग मी, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट मैं यहाँ पे एसोसिएट हुआ इतने अच्छे लोगों के साथ में। और सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया था, तो सब लोग थे नहीं, अब आए हैं, तो लेट्स एग्जीक्यूट एवरीथिंग डिलीवर। रिगार्डिंग आई थिंक आफ्टर एसोसिएटेड विद बालाजी ऑल्सो, आई ऑलवेज फील कि एक ब्रांड से ब्रांड बनता है, एंड सपना जी भी मेरी ब्रांड है, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गिव अ बेस्ट, बाकी ऊपर वाले के ऊपर। विक्रांत, अगर आप कुछ बताना चाहें। मैं भी सबसे पहले आप सबसे माफी चाहता हूँ, बिल्कुल हम लोग से अगर कुछ गलती हो तो हम माफी मांगते हैं आपसे। और कैप्टन ऑफ द शिप हाली भाई हैं, और मैं सच में उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विजय भाई का, और हमारे प्रोड्यूसर है जे डी का, मेरी सिस्टर ने रिंकी भाभी का, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया और एक अपॉर्चुनिटी दी है। और ऐसे प्रोड्यूसर ही हैं जो मैंने जो बाहर से कुछ जिनका फिल्म लाइन से कुछ लेना देते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप जानते हैं कि आजकल स्टार किड्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप फिल्म लाइन से हैं तो आपको एक ईजीली प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो नए लोगों को, जो मैं मध्य प्रदेश से छोटे से शहर से गांव से आया हूं और मैं आज मुंबई में यहां बैठा हूं, तो मैं अपने प्रोड्यूसर का दिल से शुक्रगुजार करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि मैं नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा ताकि जो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भटकना ना पड़े, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस से उनको एक लॉन्चिंग मिलेगा। और मैं सच में उनका आभारी हूँ, डायरेक्टर साहब का आभारी हूँ, और भी बड़े नाम वो ले सकते थे, बड़े लोगों को ले सकते थे, लेकिन मेरा नाम नसीम खान।
नसीम खान नसीम खान जी, आप कहाँ से, कौन, आप बिलोंग करते हैं क्या? मुंबई, मेरी करण भूमि, जन्मभूमि सब मुंबई। आपका जो मीडिया ग्रुप का नाम काइंडली मैं जान सकता हूँ? न्यूज हेल्पलाइन, बिगेस्ट एजेंसी इन बॉलीवुड, वी हैव बीन देयर द बिजनेस मोर देन 17 इयर्स। ओह यस सर, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे जो प्रोडक्शन जो टीम है उसके तरफ से, क्योंकि देखिए हमारा फर्स्ट मूवी वेंचर है, फर्स्ट मेडन मूवी वेंचर, एंड दिस इज आवर वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वी डोंट इवन नो हाउ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस। सो ये जो गलतियाँ हुआ है अभी, नाउ ऑल दिस, आई मीन आई कैन सी दैट दिस इज मेस। For example, the food, then Atithi Devo Bhava, you actually, yes, I am not taking it as a taunt, I am taking it a very serious advice from you. I am taking it as a very serious advice from a very senior journalist. Believe me, all of you, if you have anything to complain, you can always complain, you have got the right to complain. And I will be from next, there will be next press conference, there will be next to next conference, with Mr. PC. So we'll be taking it pretty seriously. Now to answer your question, sir. That we are into online business, we are into IT, we are into software development. So we understand process, we understand project, we understand how to grow a business. So film, movie, yes, we have been promoting media for other people. I cannot name my clients because of non-disclosure NDAs. I cannot name my clients. But we have been promoting other people movies, India and abroad, with digital, I've got a very good digital marketing team. So one fine day, me and my management, we ended up with the idea. If we can do for others, why can't for us? Just like you, sir, you had the opportunity to be a political journalist, to be a sports journalist. Ho sakta tha, Naseem bhai. Thank you so much, sir. My good pleasure. Lekin aapne entertainment sir aapne choose kiya. Yahan aapne jitne sare journalists hain, aapko apne entertainment ko choose kiya, media ko, film ko jab choose kiya, just because you love this, you love doing this. Similarly, we have started loving this. अभी क्या है सर, आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट है, जो हुआ भूल जाओ सर, भूल गए सर, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला सर, बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है सर, खाने और पानी का अगर बोलेंगे तो प्रोडक्शन हाउस के तरफ से, आई एम द स्पोर्ट्स पर्सन, आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू, आई विल बी कमिंग आउट माय ऑल द इंफॉर्मेशन एवरीथिंग। सो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, वी लव यू आदि भाई। यस आई नो, थैंक यू, एंड योर दैट मींस अ लॉट टू मी और माय फिल्म में, इसीलिए बना रहा। ओके आदि भाई, किस जोन में होगी फिल्म? क्योंकि अगर टाइटल देखते हैं तो कॉमेडी का ही एहसास होता है कि कॉमेडी होगी, और सपना से कॉमेडी का हमारा सपना, प्लीज नोट दिस, वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा कॉमेडी। इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स और चार दोस्तों की कहानी है, इसलिए दोस्ती के साइड इफेक्ट चलते रहेंगे। तो ये चार दोस्तों की कहानी है, और जैसे जैसे और मैं रिवील कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली नसीम भाई आपको रिवील करूंगा, बट राइट नाउ दिस इज व्हाट आई कैन से। कब फ्लोर पर कब रिलीज करने की प्लानिंग है? हाँ, हम लोगों ने ये सोचा है कि अब सबसे टफ क्वेश्चन ये है, हमारा प्लान जो है, मैं आपको रिपीट कर दूं कि हम शायद फ्लोर पे 27 तारीख से जाएंगे ये महीने की, और 14 दिसंबर को हमने डेट रिलीज करने का सोच लिया। टू द प्रोड्यूसर, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, एंड देन आई विल लेट्स लीव इट टू माय अदर कलीग्स। यस टू द प्रोड्यूसर, यस श्योर सर, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन नंबर ऑफ टाइम्स, द रीजन यू माइट बी रेडी द फिल्म, बट जब आप रिलीज करने के करार पे आते हैं तो अपने ही सिनेमा को, अपनी ही फिल्म को थिएटर में पहुंचाने के लिए उनको भी पे करना पड़ता है, व्हाट विल योर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान? सर आई कांट एक्चुअली टॉक अबाउट दिस, नो कमेंट्स राइट नाउ, आई कैन नॉट डिस्क्लोज। यस वी हैव अ वेरी डेफिनेट स्ट्रेटजी, बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, वी हैव अ वेरी वेरी डेफिनेट स्ट्रेटजी इन प्लेस, बट आई कैन नॉट डिस्कस दिस राइट नाउ। थैंक
थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. आपके जीवन में टाइम का कितना महत्व है और बिग बॉस से निकलने के बाद आपके जीवन में और आपके करियर में किस तरीके के बदलाव हैं और आगे आते रहेंगे? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे प्लेटफॉर्म दिया है. बेसिकली एक डांसर को बहुत बुरा लगता है जब उसे कोई डांसर बोलता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यस मैं डांसर हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस डांस ने मुझे सब कुछ दिया है और मैंने डांस कर करके सबको हंसाया है. और सबसे मुश्किल काम इस धरती पे अगर कोई है तो वो किसी इंसान को खुशी देना है, जो मैं प्रॉपर तरीके से दे रही हूँ. तो इससे बेटर कोई काम ही नहीं हो सकता. बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है. बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को इस तरह बदला कि डांसर होना आसान है, लेकिन एक डांसर होते होते इज्जत पाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बिग बॉस ने मुझे दी है. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शायद ये भी कर सकती हूँ. तो थैंक यू सो मच. मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको. बिग बॉस फिर से शुरुआत हो चुकी है, इस बार एक अलग अंदाज में है, कपल जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है आप अपनी टीम के साथ फिल्म को प्रमोट करने बिग बॉस हाउस जाने? बिल्कुल क्यों नहीं जा सकते. जा सकते हो, आपको लेके जाओगे साथ में. अब वो मेरा काम नहीं है, वो यहाँ काम है. मेरा काम सिर्फ जाना आना है. तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि वो ही प्लेटफॉर्म में दोबारा से देखूं, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत हुई है अब तक जहाँ मैं पहुंची हूँ, तो वही प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म पर दोबारा जाना मेरे लिए डेफिनेटली बहुत 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 खुश नसीबी की बात होगी. और मैं तो कहती हूँ कि जिसको भी मौका मिले जरूर जाना, क्योंकि जीतना हारना वहाँ मायने नहीं रखता, बस वो प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी जरूर बदल देता है, तो जाना जरूर. मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं देखूँ और मैं एक एक एपिसोड को देखूंगी और बारीकी से देखूंगी और मैं ये देखूंगी कि एक्चुअली में बाहर क्या होता है, क्योंकि पहले नहीं देखा था. Right now it's very difficult for me to even elaborate on anything like that. हर चीज को सर आप राइट नाउ आप सबको आप टालते जा रहे हो क्वेश्चंस को. टालना पड़ेगा क्योंकि बहुत बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, इसीलिए मैं टाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं रिवील करूँ. And there is a lot more than the relationship in the film. So how was it conceptualized? Okay. So the person who's written the story is right here with us, and I will give her the mic. She will tell you exactly how it was conceived. Okay. She is the one who actually conceptualized the story. She doesn't believe in speaking. Yes, she does. And she's given us the right platform. She gave us the story, and of course, Mr. Bharat V, who's the writer of the film, he has written a great screenplay on it. So, yes, that's how it is. Right, cast. And this way, thanks to my producer, Mr. Vijay Singh and Mr. Joel, that they've allowed me to do what I felt and collect the cast. तो मैं अकेली लास्ट बेंच पे बैठा करती थी, लड़कियों से मेरी बनती ही थी और लड़कों को मैं पीट देती थी, तो कोई दोस्त नहीं था. स्कूल में ऐसे कहते थे कि लास्ट बेंचर्स पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, क्या आप ऐसे ही थी क्या? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी, बस उस टाइम नहीं बोल पाती थी, उस टाइम किसी से बात करना या बोलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नाइट शोज लगा के दिन में आके बेंच पर मैं सो जाती थी, तो मेरे वो नींद बहुत प्यारी होती थी उस टाइम की पीरियड में मैं सो जाती थी। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया सर। 3 साल 9 से 12 बस ऐसे ही कुछ भी बोलते थे तो बर्दाश्त नहीं होता था, मैं पी लेती थी। तो आप भी ने आई थिंक कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हुआ, सो तो बहुत सारे स्कूलमेट्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता था मुझे कि ये लोग मुझे कुछ और दोस्त मानते हैं, और एक्चुअली मुझे बाद में पता लगता था कुछ और नहीं लगता था। तो आई एम मोस्टली विद गर्ल्स एक्चुअली हु स्प्रेड द रूमर्स बिटवीन गर्ल्स के यार मैं उनका दोस्त हूँ, एक्चुअली किसी का दोस्त नहीं होता था। तो जस्ट द वर्ड दोस्ती यू नो इट्स वेरी टेंस फॉर मी, और मुझे लगता है कि अगर आप एक्चुअली मेरे भी बहुत कम दोस्त हैं, और अभी एक्चुअली मैं जितने भी दोस्त हैं वो नए बना रहा हूँ, अच्छा विक्रम भाई हैं, जयंजय भाई हैं, और प्रोड्यूसर्स एंड हमारे डायरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो ये सब नई दोस्ती में बिलीव करता हूँ, और वक्त के साथ साथ आपके दोस्त शायद कम हो जाते हैं, तो लेकिन जो एक्चुअल होते हैं रियल होते हैं वही आपसे सच बोलते हैं, वो हमेशा टिके रहते हैं। तो इफेक्ट जो दोस्ती के होते हैं वो लाइफ टाइम रहता है अगर इंसान अच्छा होता है। ये फिल्म स्टार्ट करने में और जैसे ये को एक्टर्स हैं ये सब साथ में हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि सपना है आपके साथ तो कैट फाइट तो निश्चित है। जवाब अच्छा सा देने डालना मत, जवाब से देने में डालना मत, ऐसा कुछ नहीं है। सपना आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैम मुझे लग रहा है कि आप किसी को जीने नहीं देती होंगी। मतलब हम क्यों कैट फाइट करेंगे, हम मैंने उनका क्या लिया और उन्होंने मेरा क्या लिया, मैं बिल्कुल नहीं लड़ने वाली हूँ। शुरू होने के बाद लेना देना शुरू होगा, कोशिश करेंगे, वैसे मजा तो आएगा लड़ने में, पक्का लड़ेंगे, आपने कहा तो लड़ना पड़ेगा। Now you made my life miserable. Thank you so much. Thank you. And what is the budget of this film? How happy you are producing this film? Imagine and what is the budget of the film? Look at me, man. I'm beaming with happiness. My group's name is Happiness Group. Great. If you just read, I'll send you, all the details about my campaign group. His name is Happiness is a Life Services. We call it happiness. Anything and everything we do, that the word happy is associated with that. What is the budget of the film? I cannot comment on that. I'll have to talk to my accounts, my lot of people that I have to talk to. I cannot comment on that. Yes, I'll come back to you. I'll definitely come back to you with the answer. But I'll definitely come back to you. Thank you. आपके ऊपर खर्च करने के लिए मुझे अपने सॉस बहुत ज़्यादा पुलाव करने पड़ेगा। I know. Thank you so much. And that's why I can be friendly with you guys. We know. Thank you so much. And I guess now just one more formality is left in front of you guys, which is that I would like my producer to just give me a so please with the entire staff.
तो सबसे यूनिक चीज ये आपने बताया कि आप दोस्त ही नहीं तो हमेशा जब होते हैं कि दोस्तों को अपनी बाजी शेयर करते तो आप अपनी बाजी किससे? मेरी माँ से. उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी दोस्त की, तो हर चीज़ वहीं गई है, तो वो उन्होंने पैक करके रखी हुई है आराम से, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी. आई डोंट थिंक सो कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अपने अंदर जब तक है कि हाँ हम कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं. अगर हम अंदर से टूट जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे. ओके सपना जी, बहुत टाइम के बाद आप मिले और ये ऑफिशियल डेब्यू होगा आपका हिंदी सिनेमा में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल बात है इस फिल्म की जो आपने इस फिल्म को चुना? सबसे बड़ी बात तो ये कि कास्ट बहुत अच्छी है और मतलब अपने साथ के आर्टिस्टों के साथ काम करना बहुत 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 अच्छा होता है. अगर कोई बड़ा एक्टर होता तो आई थिंक सबको अच्छा लगता, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी फिल्म रिजेक्ट करके ये इसलिए चुनी क्योंकि कास्ट बहुत अच्छी लगी मुझे. छोटे छोटे क्यूट क्यूट से मुझे लगा मैं तो सबसे बड़ी मैं इन पे ऑर्डर चलाऊंगी, वो वाला फील आया तो इसलिए मैंने चुने. अच्छा, आपके जितने भी फैंस हैं आपके घूम के देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो इस फिल्म में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज है? देखो जब तक ठुमके मैंने दिखाए तो आप लोगों ने देखा, आप कुछ नया दिखाएंगे तो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना. फैन ऑब्वियसली वो होता है जो हम जो भी करेंगे वो उन्हें पसंद आएगा. जुबैर, आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और एक जैसे कि सपना जी ने बताया कि दोस्ती के ऊपर फिल्म है और हम चारों के चारों बहुत गहरे दोस्त रहेंगे, दिखाए जाएंगे फिल्म में, और उसके बाद ग्रेजुअली कैसे डिस्टर्बेंसेज आते हैं या दोस्ती में क्या इफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में, उसके बारे में बताया जाएगा. मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बट हाँ इतना है कि बहुत सारी शीट्स देखने को मिलेंगे आपको एंड स्टेप बाय स्टेप्स कैसे लाइफ उसको उस कैरेक्टर को जिसका नाम गौरव होगा उसको कैसे सिखाती है लाइफ और कैसे ज़्यादा वो जीता है आगे जाके कैसे अपनी मंजिलों को पाता है, तो वो सब दिखाना चाहिए. ओके सपना, जैसा कि जुबैर ने बताया कि फिल्म में आप तो एज एन फ्रेंड हैं, तो पर्सनल लाइफ में कितने गहरे दोस्त हुए और ये गहरी दोस्ती कितनी आगे तक जाएगी? पर्सनल लाइफ में अभी तो दोस्त नहीं हुए हैं अभी फिलहाल. नहीं अच्छा, एक्चुअली हम आप हमारी बात कर रहे हैं या एक्चुअली इनके पर्सनल कितने? नहीं नहीं, अरे अभी तो हम अभी तो मुझे मेरी बॉन्डिंग वैसे विक्रम से ज़्यादा अच्छी हुई है. हाँ, मेरी इनसे ज़्यादा अच्छी हुई है. मैं विक्रम के साथ अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, सुबह के साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं किया. जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, विक्रांत के साथ किया है, इसके साथ नहीं किया है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको बताऊँगी कि कितनी आगे तक जाएगी. विक्रांत एज एन फ्रेंड आई थिंक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. हर रिश्ता अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके से मायने रखता है, तो फ्रेंडशिप में विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो फ्रेंडशिप किसी गड्ढे में ही चली जाए, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है. क्योंकि हमने डांस करते हुए आपको हजारों बार देखा है, और एज एन एक्टर आप किसको आइडल मानती हैं और किसको फॉलो कर रही हैं? एज एन एक्टर मुझे फीमेल आर्टिस्ट में से जो पसंद है, फीमेल में से पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और विद्या बालन बहुत अच्छी लगती हैं, दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद है, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती है. अब फिर आप कहेंगे कि कौन सी अच्छी नहीं लगती, तो वो तो मैं बता ही नहीं सकती. अगर मैं एक ही कहूँ तो कंगना रनौत मुझे नहीं, मुझे ऐसे एक्टर अच्छी लगती है. अभी डायलॉग्स में अपने याद करूँगी. मजा नहीं आता था वो पीटने के काम करते थे, मजा नहीं आता था. मजा किसको आता पीटने में? और ना मार खाने में आता है. नहीं नहीं, उनको भी नहीं आता था, वो तो मेरे को देख के भाग जाते थे. वो कहते थे हड़म्पा आ गई आज स्कूल, वो ऐसे बोलते थे. तो गुस्सा आएगा ना आप हमें उल्टा सीधा बोलोगे तो पीटते थे. सपना जी, बिग बॉस 12 आने वाले और इस साल का थीम जो है कपल, अगर सपना को किसी के साथ जाना होगा एज अ कपल, माँ के साथ जाऊंगी.
मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत तगड़े वाली है और मेरे ख्याल से जो वो और मैं कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? इस साल एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़े वाली है, लगता है कि कुछ यूनिक देखने को मिलेगा बिग बॉस में जो अब तक के सीजन्स में नहीं देखा, तो मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली हूँ। अरे हिना ने क्या नहीं किया है, हिना ने सब कुछ किया है। मैं हिना और मैं बहुत क्लोज रहे हैं बिग बॉस के अंदर, भी बहुत क्लोज रहे हैं, आज भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हम, तो मेरे ख्याल से जो कोमलिका का रोल है वो हिना से बेटर कोई और कर ही नहीं सकता। तो बात हुई आप लोग? हाँ हमारी होती रहती है। तो हिना ये रोल के बारे में बात हुई, मतलब हाँ कंफर्म आप कर रहे हैं? मेरे को पहले से ही पता था। कंफर्म कर लिया। ओके आप रिसेंटली आप कांग्रेस की सोनिया गांधी से भी मिले थे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बट आप उनके विचारों से तो नहीं? विचार देखिए अपनी अपनी जगह सबके अच्छे होते हैं, मोदी जी के भी बहुत अच्छे विचार हैं अगर आज की जनरेशन को लेके चले तो विचार अपनी अपनी जगह सबके अच्छे हैं। हम किसी के विचारों पे टोन पास नहीं कर सकते कि उसके अच्छे नहीं है उसके अच्छे नहीं है। अब आपकी जगह आपके विचार अच्छे हैं, मेरी जगह मेरे विचार अच्छे हैं, तो किसी पे ब्लेम करना या नाम उठाना अच्छी बात थोड़ी होगी। आप मेरे को फंसवाना चाहते हो क्या? नो बेबी नो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।